अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुहामा किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मशहूर अरेबियन डिश हाशी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बराबर पर यह जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाशी बनाने के लिए कैमल का गोश्त लिए 750 ग्राम और इसको अच्छे से बॉईल कर लिए। इसके अंदर सूप भी रखा है। चावल लिए हैं 2 कप, इसको 2 घंटे पहले भगो दिया था। साबुत मिर्च सबज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, मीडियम साइज की प्याज उसको काट लिए, 1 बड़े टमाटर का पेस्ट, ऑयल 1/4 कप, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, साबुत जीरा 1 टीस्पून, 2 बे लीव्स, 1 खुश्क लेमन, 10 लौंग, 3 दालचीनी के पीस, 2 टीस्पून नमक, इसको आप अपने जायके के मुताबिक भी ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 4 अदद सब्ज इलायची। अब हम हाशी तैयार करते हैं। हाशी तैयार करने के लिए एक बर्तन लेंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे, ऑयल में कटे हुए प्याज डाल देंगे, मीडियम आंच पर प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। आंच स्लो कर देंगे, इसमें बाकी सारे मसाले भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे, मसाले को दो तीन मिनट तक मीडियम टू स्लो आंच पे भून लेंगे। मसाले को हमने भून लिए, अब इसमें गोश्त डाल देंगे, सूप भी साथ ही डाल देंगे। मिक्स कर देंगे, कवर कर देंगे और 10 मिनट तक इसको तेज आंच पे कुक करेंगे। गोश्त को तेज आंच पे कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से टेंडर हो चुका है। हाशी का गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर होना चाहिए। अब इसमें ये भीगे हुए चावल डाल देंगे पानी समेत। चावलों में 1 कप पानी है, 1.5 कप सूप था और पानी ऐड नहीं करेंगे। इसको मिक्स कर देंगे, सब्ज मिर्च भी डाल देंगे साबुत, और इस पॉइंट पे आप नमक भी चेक कर लें, अगर कम लगे तो और डाल लें। कवर कर देंगे और तेज़ आंच पे चावलों को कुक करेंगे। अब इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले, और इसकी होल पे भी मैंने आटा लगा दिया। हाशी बेसिकली प्रेशर कुकर में बनाई जाती है, लेकिन मैं इसको पतीले में बना रही हूँ। इसका पानी खुश्क होने तक इसको तेज़ आंच पे ही कुक करेंगे। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है, चेक कर लेते हैं, ये हो चुके हैं। फ्लेम ऑफ कर देंगे, देखिए कितने अच्छे हमारे चावल पक चुके हैं। अब 2-3 मिनट इनको ऐसे ही पड़े रहने देंगे, फिर डिश आउट कर लेंगे। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार हाशी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।